हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं दीक्षा फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ हरे प्याज और आलू की सब्जी, जो लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की अपनी रेसिपी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑयल ऐड कर लिया है इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम ऑयल को गर्म होने का वेट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा ऑयल अच्छे से गर्म नहीं हुआ है। मैंने इसमें ऐड करी है हींग। हींग आपको पसंद है तो ऐड करिए, अगर आपको हींग नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा ऑयल अच्छे से गर्म नहीं हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू रखे हुए हैं, ये हमारी हरी प्याज है, आप देख सकते हैं हमें इसी की सब्जी बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम जीरा ऐड करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और जीरे को अच्छे से ब्राउन हो जाने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जीरा अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें हरे प्याज को ऐड करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हरा प्याज, अब मैं इसमें हरा प्याज ऐड कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने हरी प्याज को डाल दिया है। और फ्रेंड्स, आप इसमें नमक ऐड कर लीजिए, जो मैं आपको दिखा नहीं पाई फ्रेंड्स, मैंने इसमें नमक भी ऐड कर लिया। स्वाद अनुसार साल को डाल लीजिए फ्रेंड्स इसमें, जैसा भी आपको पसंद है, और इसे अच्छे से भून लीजिए फ्रेंड्स। नमक डालने से ये प्याज जल्दी भून जाती है, समय नहीं लगता है ज़्यादा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए प्याज को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ और थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए। फिर से देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 1 चम्मच हल्दी ऐड करी है मैंने इसमें, और 1 चम्मच धनिया ऐड करा है, धनिया पाउडर। ये देखिए फ्रेंड्स, और 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर। ये देखिए फ्रेंड्स, आप जितनी मिर्च पसंद करते हैं उतनी ही डालिए फ्रेंड्स। मैंने इसमें हरी मिर्च का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इसमें हरी मिर्च। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने इसमें आलू को भी ऐड कर लिया है, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और इसको थोड़ी देर के लिए आलू को नरम हो जाने दीजिए, इससे हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक रही हूँ फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया है फ्रेंड्स। अब देखिए, हमारे आलू नरम हो गए हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, हमारी सब्जी बढ़िया हो गई है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कि हमारी सब्जी का कलर कितना बेस्ट है। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसका टेस्ट भी बहुत ही बेस्ट आता है फ्रेंड्स। आपको एक बार ट्राई करके जरूर देखिए फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, अब मैं इसमें 1 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड मत करना फ्रेंड्स, मैंने छोटी सी कटोरी से पानी डाला है थोड़ा सा। इसमें ज़्यादा पानी डालने से सब्जी का टेस्ट ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स, इसमें आप इसमें कम ही पानी का यूज करिए फ्रेंड्स। गैस को हाई फ्लेम पे कर दीजिए, और सब्जी बॉईल होने के बाद फ्रेंड्स गैस को मीडियम फ्लेम पे करके थोड़ी देर के लिए पका लीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 1 कटोरी पानी ऐड करके इसको ढक दिया है फ्रेंड्स। अब आप धनिया तैयार कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे घर का ही धनिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। इसको तैयार कर लीजिए, मैंने इसको अच्छे से धुलकर काट लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए धनिया, ताकि जगह जगह पर ना रह जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी सब्जी में धनिया वो अच्छी तरह से मिल जाना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने धनिए को सब्जी में।
ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, मैं अच्छे से सब्जी को चला रही हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू। हमारी सब्जी बनकर तैयार है। ऐसी ही वीडियो के लिए, ऐसी ही रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।